गैरमान्यता प्राप्त स्कूलों पर की गई कार्रवाई की इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मांगी रिपोर्ट सरकार को देना है चार हफ्ते में जवाब इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश में अमान्य प्राथमिक विद्यालयों के संचालन पर गंभीर चिंता व्यक्त की है न्यायमूर्ति आलोक माथुर और न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल की खंडपीठ ने इस मुद्दे पर राज्य सरकार से विस्तृत जानकारी मांगी है न्यायालय ने कहा है की बिना मान्यता के स्कूलों का संचालन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है न्यायालय ने राज्य सरकार को चार सप्ताह के भीतर एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है इस रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश में चल रहे सभी अमान्य विद्यालयों की जानकारी और उनके विरुद्ध की गई कार्रवाई का विवरण शामिल करने को कहा गया है न्यायालय ने स्पष्ट किया है, कि मुद्दा खीरी तक है बल्कि पूरे राज्य के के लिए महत्वपूर्ण है एक्सिस बैंक समेत तीन पर केस दर्ज फर्जी दस्तावेज पर तीस करोड़ लोन देने का मामला राजधानी लखनऊ में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया यहां दिल्ली की कंपनी के पूर्व निदेशक का आरोप है कि उनके फर्जी हस्ताक्षर से 30 करोड़ का लोन पास करा लिया गया है मामले की जानकारी होने के बाद हड़कंप मच गया उन्होंने कागजात पर एक्सिस बैंक के क्रेडिट अफसर अमित गर्ग और एमडी अमिताभ चौधरी के भी हस्ताक्षर मिले 12 साल पुराने मामले में लखनऊ के गोमती नगर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है आरोप है कि 2002 की कंपनी का नाम 2006 और 2011 में बदलकर एक्सिस बैंक से लोन दिया गया इन्हीं पर केस दर्ज हुआ है सीएम योगी ने कहा भारत के लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करेगा संविधान हत्या दिवस केंद्र सरकार ने 25 जून को हर साल संविधान हत्या दिवस के तौर पर मनाने का ऐलान किया है इसे लेकर केंद्र सरकार ने शुक्रवार को अधिसूचना जारी की है इस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रतिक्रिया आई है उन्होंने कहा कि कांग्रेस जैसे अधिनायकवादी तानाशाही दलों की संविधान और लोकतंत्र विरोधी कुचेष्टाओं तथा षड्यंत्रों के प्रति हर भारतीय को सजग और सचेत रखने का प्रयास संविधान हत्या दिवस भारतीय लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करेगा निश्चित ही यह दिवस नागरिक के मन में लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति सम्मान व विश्वास की वो को सदैव प्रज्वलित रखेगा सीएम योगी ने एक्सपर्ट लिखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकनिष्ठ नेतृत्व में भारत सरकार का प्रत्येक वर्ष 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का निर्णय अभिनंदनीय है ऐसे ऐतिहासिक निर्णय के लिए प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का हार्दिक आभार भारत गौरव ट्रेन की यात्रा रद्द केवल 18 यात्रियों ने बुकिंग कराई आई आर आर सी टी सी द्वारा संचालित भारत गौरव पर्यटन ट्रेन को यात्रियों की भारी कमी के कारण रद्द किया गया है तेरह जुलाई को झांसी से चलने वाली इस ट्रेन में महज 18 यात्रियों ने बुकिंग कराई जिससे ट्रेन की यात्रा का आयोजन संभव नहीं हो पाया दक्षिण भारत की यात्रा के लिए तैयार की गई इस ट्रेन का पूरा पैकेज जिसमें होटल ठहराव भोजन और परिवहन शामिल था के बावजूद यात्रियों ने इसे पसंद नहीं किया पूर्व मंत्री अमरमणि की अग्रिम याचिका खारिज कोर्ट ने कहा जमानत देने से समाज में जाएगा गलत संदेश पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी को बस्ती अपहरण मामले में उनकी अग्रिम जमानत अर्जी गुरुवार को खारिज कर दी गई आदेश में कहा गया कि अभियुक्त ने गंभीर प्रकृति का अपराध किया है इस स्तर पर यदि जमानत पर छोड़ा गया तो समाज में इसका गलत संदेश जाएगा विशेष न्यायाधीश एम पी एमएलए न्यायालय प्रमोद कुमार गिरी ने आदेश में जिक्र किया है की आरोपी आरोप नौतनवा महाराजगंज कौतावली गोरखपुर सहित विभिन्न थानों में छत्तीस मुकदमे दर्ज है अभियुक्त ने कोर्ट में हाजिर न होने की वजह से गैर जमानती वारंट जारी है इसके बावजूद वह कोर्ट में उपस्थित नहीं हो रहा ऐसे में अग्रिम जमानत प्राता स्वीकार करने योग्य नहीं है काशी विश्वनाथ मंदिर में सावन में विशेष व्यवस्था काशीवासियों के लिए अलग द्वार काशी विश्वनाथ मंदिर प्रशासन ने स्थानीय श्रद्धालुओं के लिए एक नवीन प्रवेश द्वार की व्यवस्था प्रारंभ की है शुक्रवार को इस नए द्वार का सफल परीक्षण किया गया मंदिर के मुख्य कार्यपालक अधिकारी विश्वभूषण मिश्रा ने बताया कि सुविधा के बारे में जल्द ही काशीवासियों को विस्तृत जानकारी दी जाएगी नई व्यवस्था के तहत स्थानीय भक्त गेट नंबर चार के पास स्थित फारिया मार्ग से प्रात चार से पांच बजे तक और साय चार से पांच बजे तक मंदिर में प्रवेश कर सकेंगे नोएडा प्राधिकरण की बोर्ड बैठक शहर के पुराने निवासियों पर नए आवंटियों और किसानों को मिली बड़ी राहत नोएडा प्राधिकरण ने शुक्रवार को लखनऊ में आयोजित अपनी बोर्ड बैठक प्रदेश के मुख्य सचिव एवं नोएडा ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के चेयरमैन मनोज कुमार सिंह की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में शहर के निवासियों और आवंटियों के हित में दो बड़े फैसले लिए गए हैं नोएडा के मुख्य कार्यपालक अधिकारी लोकेश एम ने निर्णयों की जानकारी देते हुए बताया कि प्राधिकरण ने आवंटियों और किसानों के लिए समय सीमा बढ़ाने का फैसला लिया है जो निश्चित रूप से उनके लिए एक बड़ी राहत साबित होगा